दोस्तों एक हमारा डिफेक्ट आता है इन्वर्टर एयर कंडीशनर में, कंप्रेसर आउट ऑफ स्टेप। तो आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या सॉल्यूशन है उसका। तो यहाँ पे इंडेक्स दिया हुआ है आपके सामने। सिस्टमेटिक वे से टेस्ट करने के फायदे ही अलग होते हैं। अगर हम एक एक चीज़ चेक करते चलेंगे तो हमको डिफेक्ट जो है वो आसानी से मिल जाता है। अब ये वो मॉडल्स हैं जिसमें अलग अलग इंफॉर्मेशन एरर की आ सकती है। F2 आ सकता है, E3 लिख के आ सकता है। तो ये आप देख सकते हैं, इसका प्रिंट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि इन मॉडल्स में अगर ये F2 या E3 प्रॉब्लम आ रही है, दैट मीन्स के कंप्रेसर आउट ऑफ स्टेप की प्रॉब्लम है। तो कैसे चेक करेंगे इसको? सबसे पहले कस्टमर से हमें कुछ सवाल पूछना चाहिए, जैसे क्या एरर आपका डिस्प्ले में आ रहा है, या वोल्टेज का कोई अप डाउन तो नहीं हो गया, कोई बदलाव तो नहीं कराया है उन्होंने कि उसी वक्त हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही हो, कि इलेक्ट्रिक की प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है, या हाई वोल्टेज आ गया है, या किसी ने सर्विस की है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें पूछ लेने से कस्टमर जो बताता है तो हमको एक आइडिया लग जाता है कि मे बी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब हम इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस देखेंगे, आउटडोर की पीसीबी को चेक करेंगे, रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी चेक करेंगे, कंप्रेसर के डिफेक्ट्स देखेंगे, रिएक्टर यूज़ होता है आउटडोर की पीसीबी में उसको चेक करेंगे, आउटडोर के फैन को चेक करेंगे, ईईवी वाल्व लगा रहता है, इलेक्ट्रॉनिकल एक्सपेंशन वॉल्व हमारे यूनिट्स में होता है उसको भी चेक करेंगे, और देखेंगे कि ओडीयू में एयर की शॉर्ट साइकिलिंग तो नहीं हो रही है। इसके लिए हमारे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल यूसेज और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इलेक्ट्रिकल में कंप्रेसर डिफेक्टिव हो सकता है, लूज कनेक्शन, ओडीयू फैन मोटर, इसी तरह से पीसीबी ख़राब हो सकता है, रिएक्टर में प्रॉब्लम हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व में प्रॉब्लम हो सकती है, इंस्टॉलेशन से रिलेटेड परेशानी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे भी एक कंप्लीट लिस्ट दी है जिसको आप देख सकते हैं। कोई कनेक्शन लूज है तो उसको हम चेक करेंगे, आउटडोर की पीसीबी, रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी, कंप्रेसर, रिएक्टर, ओडीयू फैन मोटर, एक्सपेंशन वॉल्व और शॉर्ट साइकिलिंग आउटडोर यूनिट में, खास तौर से एयर की शॉर्ट साइकिलिंग, तो इसको हम लोग चेक कर सकते हैं। सप्लाई हमेशा हमें चेक करना चाहिए, शुरुआत ही इससे करना चाहिए कि हम सबसे पहले फेस न्यूट्रल अर्थ की पोजीशंस देखें। राइट में फेस, लेफ्ट में न्यूट्रल और ऊपर अर्थ। अर्थ न्यूट्रल में कोई सप्लाई नहीं, फेस और न्यूट्रल में जो सप्लाई आ रही है 220 230 वोल्ट, सेम सप्लाई फेस और अर्थ में भी आना चाहिए। प्रॉपर टूल्स हैं तो काम बढ़िया से होने वाला है। अच्छी क्वालिटी का मल्टीमीटर और अच्छे टूल्स आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं कि आउटडोर यूनिट में कनेक्शंस प्रॉपर हैं कि नहीं है, कोई लूज कनेक्शन, कहीं पे कार्बन आ गया है, कोई जल गया है, ये सारी प्रॉब्लम हमारी शो करेंगी F2 या E3 के एरर को। इसी के साथ साथ इन्वर्टर एयर कंडीशनर में जब आप फेस न्यूट्रल की टेस्टिंग करते हैं तो सिग्नल वायर भी मौजूद रहता है। इनडोर से आउटडोर के कनेक्शन सिमिलर होना चाहिए, जहाँ पे फेस आउटडोर में भी वहीं पे फेस, न्यूट्रल तो आउटडोर में भी सेम जगह पे न्यूट्रल, और सिग्नल का वायर इनडोर से आउटडोर सेम वायर, कभी भी सिग्नल के वायर में फेस की सप्लाई नहीं जाना चाहिए। तो जो भी इंजीनियर हमारे हैं प्रॉपरली टेस्ट करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। और अर्थिंग तो सभी को पता है कि बहुत ज़रूरी पार्ट है हमारे एयर कंडीशनर को सही चलाने के लिए। तो ये हम कनेक्टिविटीज़ देखेंगे कि लूज कनेक्शन ना हो, बहुत ध्यान से वोल्टेज देखेंगे, अर्थ देखेंगे, सिग्नल के बीच की सप्लाई देखेंगे। और दोस्तों न्यूट्रल और सिग्नल में DC सप्लाई आती है, तो मीटर की पोजीशन को भी चेंज करेंगे अगर आपका ऑटो मीटर नहीं है। अब आपके पास एक टेस्ट स्टिक अवेलेबल है जिसकी मदद से आप UVW की कंडीशन चेक कर सकते हैं। इसमें LEDs आपको जल के बताएंगी कि UVW की सप्लाई प्रॉपर कंप्रेसर को जा रही है कि नहीं जा रही है। इसके साथ साथ आप एक गैजेट भी बना सकते हैं अपने एंड के ऊपर। सिंपल तीन बल्ब लीजिए, 15-15 वाट के तीन बल्ब ले लीजिए, और इन बल्ब की मदद से आप एक सिंपल सा गैजेट बना सकते हैं, एक सिंपल सा टेस्टिंग इक्विपमेंट बना सकते हैं। तीन आपने बल्ब लिए, हर बल्ब में दो तार जाने वाले हैं, एक एक तार को आपस में कनेक्ट करके टेप कर दिया, और बाकी के बचे हुए जो तीन तार हैं उसको हमने UVW के साथ में कनेक्ट किया। अब होने क्या वाला है, जैसे ही आप सप्लाई देंगे
एयर कंडीशनर में UVW पे जब सप्लाई आएगी तो ये तीनों बल्ब जो है वो ग्लो करेंगे, बुझेंगे, जलेंगे, बुझेंगे, जलेंगे, अगर सब कुछ ठीक है। अगर बल्ब ग्लो करके बंद हो जाते हैं दैट मीन PCBs ओके, कंप्रेसर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। करीब करीब 30-40 सेकंड्स के बाद बल्ब ग्लो करेंगे और बंद हो जाएंगे, दैट मीन्स PCB में सब कुछ ठीक ठाक है, कंप्रेसर में प्रॉब्लम है। और लगातार अगर ये ब्लिंक कर रहे हैं दैट मीन्स कि दोनों ठीक ठाक चल रहे हैं। और अगर ये ब्लिंक नहीं करते हैं दैट मीन्स PCB में प्रॉब्लम है, वही 30-40 सेकंड्स के बाद, तो हमको फिर PCB को टेस्ट करना होगा। तो बहुत आसानी से इन तीन बल्ब की मदद से हम लोग टेस्टिंग कर सकते हैं। तो प्रॉपर कनेक्टिविटी होगी किसके साथ में? कंप्रेसर के जैक के साथ में। कंप्रेसर भी कनेक्ट होगा, थोड़ा ध्यान से जब कभी भी हम लोग इलेक्ट्रिक पे काम करते हैं और इलेक्ट्रिक ऑन है तो हमेशा केयरफुली काम करेंगे कि कहीं भी कोई जान का खतरा या आग लगने का डर ना हो। यहाँ पे तीनों कंडीशंस दी हुई हैं कि अगर बल्ब लगातार जल रहे हैं एवरीथिंग इज ओके, कुछ समय बाद जल बंद बल्ब जल के बुझ जाते हैं मीन्स PCB इज ओके, जल ही नहीं रहे बल्ब में सप्लाई नहीं आ रही दैट मीन्स PCB में प्रॉब्लम है। अब इसके साथ साथ हम लोग मशीन का बैक प्रेशर भी चेक कर सकते हैं, हमारे पास प्रॉपर मैनिफोल्ड गेज होना चाहिए, टेस्टेड होना चाहिए, सुइयां अपनी जगह पे हो, शीशा अपनी जगह पे हो। इसी के साथ साथ हम लोग विजुअली भी देख सकते हैं कि कंडेंसर बहुत गंदा तो नहीं है, कूलिंग कॉइल बहुत गंदा तो नहीं है, कहीं एयर का ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। तो छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों चेक करेंगे तो प्रॉब्लम हमको ज़रूर समझ में आएगी कहाँ पर हो रही है। क्लीनिंग कर सकते हैं, आउटडोर खास तौर से क्लीन रहना चाहिए। ये हम यहाँ पे आपको प्रेशर्स दे रहे हैं कि किस रेफ्रिजरेंट में कहाँ पे कितना प्रेशर होना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, रोक के वीडियो को नोट डाउन कर सकते हैं। ये नॉर्मल प्रेशर्स हैं, अगर इसमें वेरिएशन मिलता है प्रेशर्स में तो फिर हमको चेक करना पड़ेगा कि कहीं पे प्रॉब्लम कहाँ से हमको दिख रही है। प्रॉब्लम बहुत वैक्यूम में जा रही है सुई, इसका मतलब कहीं चोकिंग हो रही है। रेफ्रिजरेंट ठीक ठाक है, स्टैंडिंग प्रेशर हम देख सकते हैं, अपने पिछले उसमें देखा कि प्रेशर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, कम प्रेशर दिखा रहा है, हो सकता है लीकेज हो। तो बहुत सी चीज़ें हम लोग बैक प्रेशर से चेक कर सकते हैं। तो हम लोग सबको पता है कि चार्जिंग लाइन में चार्जिंग पोर्ट के ऊपर जो सक्शन लाइन होती है वहां पे हम लोग गेज यूज करते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए कि कौन सा रेफ्रिजरेंट किस कंडीशन में क्या प्रेशर दिखाएगा, स्टैंडिंग पोजीशन में, जब मशीन चल रही है वो कंडीशन। कहीं बहुत रेयरली ऐसा होता है कि डिस्चार्ज पर भी प्रेशर देखने की फैसिलिटी अवेलेबल हो, बट नॉर्मली जब ये चार्जिंग होती है इनकी, जब नई मशीनें बन रही होती हैं तो डिस्चार्ज प्रेशर को देखा जाता है। UVW का रेजिस्टेंस चेक करना हमको आना चाहिए खास तौर से कंप्रेसर के ऊपर। तीन पॉइंट्स होते हैं जैसे रनिंग स्टार्टिंग कॉमन होता था, एवरेज जो है इस पर 2 ohm, 2.5 ohm, 3 ohm के आसपास रेजिस्टेंस आपको दिखता है। इसी के साथ साथ हम लोग ग्राउंड चेक कर सकते हैं, कंप्रेसर के ग्राउंड की टेस्टिंग आपको पता होना चाहिए, टर्मिनल से बॉडी के जहाँ पे भी पेंट ना लगा हो, अगर कंटिन्यूटी शो कर रहा है या कोई भी डिफ्लेक्शन दिखा रहा है हमारे मीटर में कंटिन्यूटी पे, दैट मींस कि हमारा कंप्रेसर ग्राउंड हो गया है, अब इसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो हमारे सब दोस्तों को पता होना चाहिए कि कंप्रेसर का रेजिस्टेंस, कंप्रेसर का ग्राउंड किस तरह से चेक कर सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए। इसी तरीके से हम रिएक्टर को भी चेक करेंगे। रिएक्टर एक अलग से ट्रांसफार्मर जैसा दिखने वाला बैलेंस करता है DC सप्लाई को। हम अपने मीटर को 200 के रेंज पर रखेंगे और रिएक्टर में एवरेज जो है वो हमको 2.5 ohm, 2.75 ohm, 3 ohm, 3.25 ohm, 4 ohm के आसपास रेजिस्टेंस मिलता है। अगर इन्फिनिटी दिख रहा है दैट मीन्स कि रिएक्टर ख़राब हो चुका है।
तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हम लोगों को टेस्ट करना आना चाहिए। मोटर भी हमें टेस्ट करना आना चाहिए, जहाँ पे खास तौर से डीसी मोटर लगा है। तो यहाँ पे हम आपको एक एक चीज़ पढ़ के नहीं बता पाएंगे दोस्तों, क्योंकि टाइम का भी कंस्ट्रेंट रहता है। तो पावर के इनपुट का पॉइंट होता है, कुछ डमी पॉइंट्स होते हैं, ग्राउंड चेक होता है जहाँ पे ग्राउंड की कनेक्टिविटी होती है, कंट्रोल पावर का इनपुट होता है, रिवॉल्यूशन पर होता है, पल्स मैनेजमेंट होता है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे आउटडोर के फैन मोटर का, डीसी फैन मोटर का डिटेल दिया हुआ है। इसमें हम रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं कि ब्लैक और रेड में, मतलब ग्राउंड और रेड में आपको 2.9 मेगा ओम दिख रहा है ध्यान से, व्हाइट और ग्राउंड में 39 किलो ओम दिख रहा है। दोस्तों यहाँ पे वेरिएशन रहेगा रेजिस्टेंस का, ध्यान से चेक करेंगे। येलो और ग्राउंड में 154 किलो ओम रेजिस्टेंस दिख रहा है। इसी तरह से पीजी और ग्राउंड में, पल्स जनरेटर पर मोटर का है हमारा, ब्लू और ब्लैक में 5.4 मेगा ओम रेजिस्टेंस दिख रहा है। इसी तरह से हम जो जहाँ से आपको सप्लाई दिख रही है वहाँ से हम वोल्टेज चेक कर सकते हैं। 6 वोल्ट के आसपास मिलेगा ब्लैक और येलो में, वाइट और ब्लैक में 9 से 10 वोल्ट के आसपास मिलेगा, और इसी तरीके से रेड और ब्लैक में 320, 330, 340 वोल्ट डीसी सप्लाई मिलने वाली है। तीनों जगह पे डीसी मोटर है तो आपको डीसी सप्लाई मिलने वाली है। इसी तरह से हमारा कुछ मशीनों में ईईवी वॉल्व यूज किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल्व। ये हमारा 12 वोल्ट डीसी चलता है, और काम क्या करता है, जो कैपलरी हमारा काम करती थी वही काम ये करता है। तो क्या करना चाहिए, अगर हमारा E3 या F2 एरर आ रहा है, हमें इस वॉल्व को भी चेक करना चाहिए अगर यूनिट में ये मौजूद है तो। इसकी कनेक्टिविटी देखना चाहिए, रेजिस्टेंस देखना चाहिए, अगर बहुत जंग आ गया जहाँ पे ये लगा हुआ है, क्योंकि अंदर इसके एक वॉल्व है जिसको ये कंट्रोल करता है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके। तो अगर बहुत गंदगी हो गई इसको क्लीन करके लगा देंगे, कई बार ये ठीक हो जाता है। इसी के साथ साथ इसका हम रेजिस्टेंस भी चेक करेंगे। देखिए दोस्तों किस तरह से रेजिस्टेंस यहाँ पे इसका चेक होता है, थोड़ा ध्यान से। हम 100 मेगा ओम पे इसको चेक कर सकते हैं, ऑयल या 100 आपको यहाँ पे दिखेगा। अगर ये 100 से नीचे आता है दैट मींस कि ये ग्राउंड हो गया है। इसके रेजिस्टेंस के लिए नॉर्मली रेजिस्टेंस 46, या यूं समझें कि 46 प्लस माइनस 3 ओम्स के आसपास रेजिस्टेंस मिलता है। तो हम इसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो जो भी इसमें कलर्स दिए हैं, वाइट है, येलो है, पिंक है, ब्लू है, ब्राउन है, रेड है, इन सब पे आपको सेम रेजिस्टेंस दिखने वाला है। अगर वेरिएशन आ रहा है दैट मींस कि ये वॉल्व हमारा प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो 43 से लेके और 49 तक के बीच में आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, 46 प्लस माइनस 3.6। ये रेजिस्टेंस भी हमको चेक करना चाहिए। तो दोस्तों अच्छे से अगर हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं तो आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। जहाँ ईई वॉल्व का कनेक्शन लगा है वहाँ पे ग्राउंड और 12 वोल्ट के बीच में आपको 12 वोल्ट सप्लाई मिलना चाहिए। यहाँ पे सप्लाई चेक करेंगे, ईईवी लिखा हुआ है, CN8 है, ये कनेक्टर 8 है, और यहाँ पे सप्लाई आपको 12 वोल्ट डीसी सप्लाई मिलने वाली है। यहाँ पे आपको अलग से दिखा रहे हैं खास तौर से इसको, फोर्थ पॉइंट और सिक्स पॉइंट के बीच में यू विल गेट 12 वोल्ट डीसी। तो 11.76 वोल्ट आपको डीसी दिख रहा है, दैट इज इक्वल टू 12 वोल्ट डीसी। इसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आउटडोर यूनिट में हीट कंट्रोल में रहना चाहिए। जो हीट निकल रही है उसके निकलने की जगह होना चाहिए। बंद जगह पे अगर ये यूनिट लगा है या सेम गर्म हवा जो है वो कंटिन्यूसली शॉर्ट साइकिलिंग हो रही है तो भी प्रॉब्लम आ सकती है F2 और E3 की, मतलब कंप्रेसर जो है वो आउट ऑफ स्टेप की प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों अगर हम लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, समझ के, सीख के, ट्रेनिंग लेके, तो किसी भी प्रॉब्लम को हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। थैंक
थैंक यू वेरी मच।